आज 30 जनवरी है और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उनकी 74वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक से 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इस अपराध के बदले नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई। महात्मा गांधी की हत्या के 74 वर्ष बाद देश की सियासत ऐसी है कि इस दुख की घड़ी को भूलने नहीं देती। इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी की हत्या के साथ गोडसे का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक और पहलू यह भी है कि इससे सियासत जुड़ गई है। अपनी सुविधानुसार इस मुद्दे का, इस मामले का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ कई पार्टियां लेने का प्रयास करती आई है। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने हिंदुत्व वाली राजनीति पर हमला बोला। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का दिन है। आज महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से जुड़े विचारों को अपनाने का दिन है। लेकिन सियासत है कि बापू के नाम पर विरोधियों पर वार करने का एक मौका बन गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है, तो एक तीर से 2 निशाने वाली सियासत का मौका छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर गोडसे की हत्या करने वाली सोच और हिंदुत्ववादियों को जोड़कर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। इस ट्वीट के बाद राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। बीजेपी को राहुल गांधी का ट्वीट चुभ गया और बीजेपी ने राहुल गांधी के सियासी ट्वीट को सियासी नजरिए से ही जवाब दिया। बीजेपी ने गोडसे वाली कट्टर सोच के बजाय उसे हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी सियासी टिप्पणी से बीजेपी पहले से ही नाराज चल रही है, लेकिन इस बार आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के पुराने दोस्त शिवसेना ने। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान से 2 कदम आगे बढ़कर इस विवाद को और हवा दे दी। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप में, आप मर्द थे, आप में मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह इंसाफ फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं था। उसका तो पूरे विश्व को दुख हुआ है, आज भी है। संजय राउत ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की कट्टरवादी हिंदू सोच पर ही हमला कर दिया, जबकि गोडसे की विचारधारा को मानने वाला एक वर्ग अब भी गोडसे का समर्थन करता है, लेकिन बीजेपी गोडसे की विचारधारा को अपने सियासी एजेंडे से दूर रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लापरवाही पर सवाल उठाया। बीजेपी का आरोप है कि जब महात्मा गांधी की जान को खतरा था तो उनकी सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं की गई? राहुल गांधी जो जिस तरह से हिंदुत्व को से नाथूराम गोडसे को जोड़ रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ऐसा करके मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जब जब चुनाव का समय आता है तो राहुल गांधी को गोडसे याद आ जाता है। राहुल गांधी हिंदुत्व को असभ्य और अमर्यादित भाषा में परिभाषित करने लगते हैं।
बीजेपी के इस तरह से सवाल उठाने की सबसे बड़ी वजह ये कि 30 जनवरी 1948 से कुछ दिन पहले भी दिल्ली में महात्मा गांधी पर एक हमला हुआ था। ये हमला एक बम धमाके के रूप में किया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी की सुरक्षा में बदलाव नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये लापरवाही महात्मा गांधी की हत्या की वजह बनी, लेकिन हत्या के पीछे मूल कट्टरवादी सोच किसकी थी, ये आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस अपनी हिंदुत्ववादी मुद्दे से जुड़ी सियासत से लगातार बीजेपी पर हमले कर रही। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों पर हमला किया। पिछले महीने राजस्थान में राहुल गांधी ने खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू और हिंदुत्ववाद का फर्क समझाया। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। कांग्रेस के सियासी मंच से हिंदू हिंदुत्व वाली लड़ाई में गोडसे का भी जिक्र आया। राहुल ने हिंदुत्व के बहाने बड़ा हमला बोला, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। जाहिर है चुनाव के मौसम में राहुल गांधी वोटरों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सबसे सच्चे हिंदू वही हैं, जबकि बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी हैं। और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली। राहुल के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं दिखाई। अब जब कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छू मंत्र करेगा तो उसके नेता इसी तरह की बात करेंगे, कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। अरे भैया, हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, इस देश की संस्कृत संस्कार है और इस देश के पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पुरखों से आप पूछ लीजिएगा, अपने पुरखों के इतिहास से पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जाहिर है चुनाव के मौसम में सियासी पार्टियां किसी भी तरह के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि महात्मा गांधी के साथ उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का नाम जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय समाज में एक वर्ग अब भी गोडसे के विचारों का समर्थन करता है और यही वजह है कि सियासी पार्टियां अपने सुविधानुसार इस मुद्दे पर हमला करती रहेंगी। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।